गाइस आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि पहले के टाइम के जो मोबाइल चार्जर हुआ करते थे उसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता था वो स्टैंडर्ड 5 वोल्ट होता था और जो करंट है वो 1 एम्पीयर या 2 एम्पीयर वहां पर देखने को मिलता था। बट अभी के टाइम के जो फास्ट चार्जर होते तो यहां पर दोस्तों हमको जो वोल्टेज है वो अलग अलग देखने को मिलता है, लाइक 5 वोल्ट 2 या 3 एम्पीयर, 9 वोल्ट 2 एम्पीयर, 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर, ऐसे अलग अलग प्रकार का वोल्टेज और करंट लेवल देखने को मिलता है। तो गाइस सवाल दिमाग में यह था कि पहले स्टैंडर्ड 5 वोल्ट होता था बट अभी के टाइम पर ये 5 वोल्ट के साथ 9 वोल्ट 12 वोल्ट ही अलग अलग वोल्टेज क्यों आए। तो गाइस इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इजी वे में मैं आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको जानना है वीडियो के एंड तक जरूर से देखिए। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पर आप सभी को पता हो कि जो यूएसबी होता है उसका स्टैंडर्ड आउटपुट वोल्टेज होता है यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर रहता है। बट गाइस अभी के टाइम पर देखा जाए तो मेन एम क्या होता है जब हमारे मोबाइल फोन को चार्ज किया जाता है, वहाँ पर दोस्तों मेन एम ये होता है कि हमारे स्मार्टफोन को जल्दी से जल्दी चार्ज किया जाए और जल्दी जल्दी चार्ज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पावर आपके स्मार्टफोन के अडाप्टर से आपके स्मार्टफोन तक डिलीवर की जाए। और यहाँ पर दोस्तों पावर मतलब कि वोल्टेज, जो कि आप लोग जनरली देखते हैं कि इतने वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। सो गाइस यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी लोगों ने दोस्तों यहाँ पर पढ़ा होगा अपनी स्कूल लाइफ में, जहाँ पर दोस्तों क्या होता है जो पावर होता है मतलब कि वॉट होता है वो इक्वल होता है वोल्टेज जो कि अप्लाई किया जाता है इनटू उसमें बहने वाले करंट के। सो गाइस यहाँ पर P इज इक्वल टू V इनटू I, सिंपल फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर से पढ़ा होगा अपनी स्कूल लाइफ में, तो इसी का दोस्तों यहाँ पर यूज किया जाता है। सो गाइस यहाँ पर क्या होता है कि यदि आपको आपके स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग लेके आनी है, आपको उसमें ज़्यादा पावर डिलीवर करना है और यहाँ पर दोस्तों यदि आप यूएसबी के स्टैंडर्ड 5 वोल्ट ही रखते हैं वोल्टेज, तो आपको डेफिनेटली करंट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा जो कि 1 एम्पीयर से 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर तक जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे भी करंट की वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो यूएसबी केबल होती है वो दोस्तों हीट अप होने लगती है और उसके बाद दोस्तों वो बर्न भी हो सकती है। इसके एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सो गाइस इस चीज को हम रिलेट करते हैं एक पानी के पाइप से। यहाँ पर दोस्तों यदि आपको एक पाइप में से पानी फ्लो करवाना है तो नॉर्मली पानी फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पर दोस्तों वो इजीली उस पाइप में से फ्लो हो जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी को फ्लो करवाना चाहें फोर्सफुली तो यहाँ पर दोस्तों जो पाइप है वो थोड़ा सा फूलने लगेगा। और इसके बाद दोस्तों यदि आप और ज़्यादा यहाँ पर पानी फ्लो करवाएंगे उस पाइप में से फोर्सफुली तो एक टाइम आएगा जो पाइप है वो फट जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका पाइप ना फटे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइप की मोटाई को बढ़ाना पड़ेगा। सेम दोस्तों यही चीज अप्लाई होती है यहां पर केबल के ऊपर, केबल की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर भी करंट फ्लो होगा तो केबल वहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी ज़्यादा यदि करंट की लिमिट हो जाएगी तो केवल यहाँ पर हीट अप होने लगेगी और यदि और ज़्यादा फोर्सफुली करंट उसमें फ्लो करवाया जाएगा तो केबल जो है वो जल भी सकती है। इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, जो केबल है उसकी मोटाई को भी बढ़ाना पड़ता है, जैसे कि उस केस में पाइप की मोटाई को बढ़ाना पड़ा। सो गाइस यदि इस केस में आपको आपके स्मार्टफोन की यूएसबी केबल है उसकी साइज को यदि बढ़ाना पड़ा तो यहाँ पर दोस्तों पहली चीज़ तो ये होगी कि उसके अंदर जो केबल के अंदर जो वायर लगा होता है कॉपर का, उसके साइज ही बढ़ाना पड़ेगा तो केबल यहाँ पर दोस्तों कॉस्टली हो जाएगी। और सेकंड जो उसका साइज यदि बढ़ जाएगा तो वो दोस्तों यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि आपको आपके स्मार्टफोन के चार्जर को उसकी केबल को लेकर ट्रेवल भी करना पड़ता है तो यहाँ पर दोस्तों वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी हो जाएगी। सो गाइस अब इसका सोल्यूशन क्या, सो गाइस इसी के सोल्यूशन के लिए क्या किया गया कि अलग अलग वोल्टेज लेवल का उपयोग किया गया। यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्ट यूएसबी का स्टैंडर्ड आउटपुट वोल्टेज तो होता ही है, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 9 वोल्ट 12 वोल्ट इस तरीके के अलग अलग वोल्टेज लेवल को भी उपयोग किया गया। गाइस अब इस चीज़ को एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं। गाइस सपोज आपके स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर 30 वॉट पावर जो है वो डिलीवर करना है एडाप्टर से आपके स्मार्टफोन तक। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, 30 वॉट यदि आपको डिलीवर करना और यदि आपने यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर यूएसबी का स्टैंडर्ड आउटपुट वोल्टेज रखा तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि 30 वॉट लाने के लिए आपको कितना करंट चाहिए पड़ेगा, सिंपल दोस्तों यहाँ पर आपको 6 एम्पीयर करंट फ्लो करवाना पड़ेगा तभी तो 5 × 6 इक्वल टू 30 वॉट यहाँ पर पावर डिलीवर हो पाएगा। और यहाँ पर दोस्तों यदि 6 एम्पीयर करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली आपका जो वायर है जो यूएसबी केबल है वो हीट अप होगी और हीट अप होने के बाद वो बर्न भी हो सकती है। इसके लिए आपको आपके जो यूएसबी केबल है उसकी मोटाई को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि मैंने एग्जांपल दिया था कि ज़्यादा पानी फ्लो करवाना है तो आपको जो पाइप है उसके साइज को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज पाइप फट जाएगा। लेकिन कैसे थी हम यहाँ पर लें कि आपको 30 वॉट ट्रांसफ़र करना है आपके एडाप्टर से आपके स्मार्टफोन तक और आप यदि यहाँ पर
रख लें दोस्तों जो वोल्टेज लेवल उसको 12 वोल्ट रख लें, तो यहाँ पर दोस्तों 30 वॉट के लिए आपको कितना करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, आपको दोस्तों 2.5 एम्पियर करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों 12 × 2.5 = 30 वॉट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो करंट की वैल्यू पर आप फोकस कीजिए, करंट की वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप अपने जो USB केबल उसकी मोटाई को ज़्यादा ना भी बढ़ाएंगे तो भी दोस्तों यहाँ पर वो 2.5 एम्पियर करंट को आसानी से डिलीवर कर पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये हो जाती है कि जो वोल्टेज है उसको बढ़ाया गया है, तो जो आपके जो USB केबल है उनके ऊपर आपने देखा होगा कि अंदर तो एक तांबे का तार होता है और उसके ऊपर दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ परत चढ़ी होती है, जो होता है प्लास्टिक की परत आपको देखने को मिलेगी, उसको इंसुलेशन बोलते हैं। तो यदि आप वोल्टेज लेवल को बढ़ा रहे हैं तो इंसुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, इंसुलेशन क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और ये दोस्तों ज़्यादा इजी पड़ता है एक केबल की मोटाई बढ़ाने से। सो गाइस यही मेन रीज़न है, और इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो आपके स्मार्टफोन के चार्जर होते हैं उनमें अलग अलग आउटपुट वोल्टेज लेवल आपको देखने को मिलता है। सो आई होप दोस्तों आप लोग को जो ये सवाल यदि आपके दिमाग में होगा, यदि ये क्वेरी होगी, तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से ये क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।